दोस्तों, मैं सारिका कहानीकार में एक बार फिर आपके साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द फर्स्ट फुटबॉल पोस्टर बॉय ऑफ इंडिया, जिसने इंडिया को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल दिलवाया। ये एक ऐसे इंडियन फुटबॉलर और क्रिकेटर है जिन्हें पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ये और कोई नहीं, सुब्रमण चुन्नी गोस्वामी ही है, जो भारत में फुटबॉल प्रेमियों के बीच चुन्नी गोस्वामी या चुन्नी दा के नाम से जाने जाते हैं। चुन्नी गोस्वामी का जन्म 15 जनवरी 1938 को यूनाइटेड बंगाल के किशोरगंज के एक अपर मिडिल क्लास परिवार में हुआ। 1946 में 8 साल की उम्र में मोहन बंगाल फुटबॉल क्लब के जूनियर टीम को ज्वाइन कर लिया और यही से शुरू हुआ इनका फुटबॉल का सफर। दोस्तों, चुन्नी दा ऐसे एकमात्र खिलाड़ी थे जो बचपन से लेकर अपने रिटायरमेंट तक एक ही फुटबॉल क्लब से खेले। इन्होंने 1956 में इंटरनेशनल फुटबॉल में डेब्यूट किया। इन्होंने ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, एशिया कप को मिलाकर भारत के लिए 50 इंटरनेशनल मैचेस खेले। ये एक ऐसे इकलौते फुटबॉल टीम के कैप्टन थे जिन्होंने भारत को 1962 के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल दिलवाया, जो कि भारत का फुटबॉल का लास्ट गोल्ड मेडल है। और इसके साथ ही भारत ने इनकी कैप्टेंसी में 1964 को एशिया कप और मडेका कप में सिल्वर मेडल जीता। चुन्नी गोस्वामी 30 फीफा ए इंटरनेशनल मैचेस भी खेल चुके हैं। 1964 में उन्होंने फुटबॉल से रिटायरमेंट ले लिया। दोस्तों, जब इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की तो इनके दो बहुत बड़े प्रशंसक दिलीप कुमार और परन ने वापस फुटबॉल ज्वाइन करने के लिए बोला। हालांकि चुन्नी टेनिस, कैरम और दूसरी बोर्ड गेम्स भी खेलते थे, पर फुटबॉल के बाद उनकी दूसरी पसंद क्रिकेट थी। 1962 में बंगाल रणजी ट्रॉफी से इन्होंने क्रिकेट में डेब्यूट किया। उन राइट हैंडेड बैट्समैन और मीडियम पेसर ने 46 फर्स्ट क्लास मैच खेले, 1592 रन बनाए और 47 विकेट्स अपने नाम किए। इन्होंने 1966 के एक मैच में गैरी सोबर्स के वेस्ट इंडीज टीम के खिलाफ 8 विकेट्स लिए, जिसके लिए ये काफी मशहूर हुए। चुन्नी दा ने बहुत से अवार्ड्स अपने नाम किए। 1962 बेस्ट स्ट्राइकर ऑफ एशिया अवार्ड, 1963 अर्जुन अवार्ड, 1983 पद्मश्री अवार्ड, 2005 मोहन बंगाल रत्ना। 1986-1989 तक भारत के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब टाटा फुटबॉलर एकेडमी के डायरेक्टर रहे और 1991 से लेकर 1992 इंडिया फुटबॉल टीम के कोच रहे। वाइस प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्ण भी इनके फैन में गिने जाते हैं। दोस्तों, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने इनके सम्मान में 15 जनवरी 2020 को स्टैंप भी जारी किया। दोस्तों, चुन्नी गोस्वामी लंबे समय से डायबिटीज और प्रोस्टेट इन्फेक्शन से जूझ रहे थे और कलकत्ता के अस्पताल में 30 अप्रैल 2020 में 82 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी, लाइक करके कमेंट करके बता सकते हैं और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।